थाना क्षेत्र नागल का ये इलाका है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर NH की ओर से ये पुल का हाईवे का निर्माण यहां चल रहा है, जहां पर अभिषेक की मृत्यु हुई थी। पुल पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगी है। तस्वीरें हम आपको यहां की दिखा रहे हैं। सहारनपुर का ये इलाका है, थाना नागल क्षेत्र का ये एरिया है। तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट के जिला अधिकारी ऑफिस के बाहर, जहां पर कुछ दिन पहले एक गाड़ी जो है निर्माणधीन पुल से नीचे गिर गई थी, जिसकी कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। लापरवाही है जो पुल निर्माण कर रही है कंपनी, उसके द्वारा और ठेकेदार के द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। हम जानते हैं उनके यहाँ पर परिजन है जो आज ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी के पास आए थे और उन्होंने उनको ज्ञापन दिया। मांग की गई है मुआवजे की, तो हम जानते हैं उनसे पूरी बात। जिला पिथौरागढ़ का है जी, मैं मुकेश कुमार उनका जीजा बात कर रहा हूँ। और ये बात है इतवार की सुबह जब वो तीन फौजियों को लेके बुकिंग पे देहरादून के लिए निकले और रात को करीब 2:30 या 3 बजे करीब ये देहरादून पहुँचे हैं। और उनको छोड़ने के बाद ये अपने छोटे भाई के कमरे पे चले गए, जहाँ उन्होंने बीच में ही अपने छोटे भाई को बुलाया और वहाँ चले गए। जाने के बाद उसने वहाँ पे आराम किया, प्रॉपर आराम किया, नाश्ता किया और उसके बाद भाई को बोला कि मैं गाड़ी की सर्विस कराता हूँ और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा हल्द्वानी के लिए। ठीक है, अब दिन भर उसने काम कराया, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा हम ये रहा कि उसने सवारी ढूंढने की कोशिश करी होगी देहरादून ISBT में, पर नहीं मिलने के बाद वो अकेला ही मार्ग पर निकल गया। अब सहारनपुर हाईवे से बाईपास, देवबंद बाईपास होते हुए ये वो हल्द्वानी की तरफ निकल रहा होगा और रात को करीब 9 से 9:30 बजे जो है ये दुर्घटना यहाँ पे, जहाँ पे हिंडन नदी के पुल पे जो है लखनऊ में ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, इसमें आगे जाके वो जो है नीचे गिरा और ऑन द स्पॉट जो हमें बताया गया है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है ये बताया गया। और उसके बाद जो है हम सुबह, मैं और अपने पिताजी के साथ सुबह यहाँ मौके पर पहुँचा, साथ ही साथ मैंने उसके परिजनों को वहीं पर इन्फॉर्म किया कि आप लोग चलने की व्यवस्था कीजिए, शाम तक आप लोग भी पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें हुई, सारा पंचनामा हमने किया, खुद ही किया। जो चीज़ें मौजूद में हमें, जो चीज़ें हमें मिली गई हैं उसमें हमें एक पर्स, उसके साथ उसकी हमारी ID और 50 रुपये। इसके अलावा ना तो हमें मोबाइल मिला, ना वो बुकिंग से जो पैसा उसे मिला होगा वो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद जो है फिर सारी कार्रवाई हुई, परिजन आए, शाम को पहुँचे हैं, शाम को हमने उनको मौके की जगह दिखाई। इस हालत में वो नहीं थे कि कुछ सोच पाते, लेकिन फिर भी जो है हमने बॉडी को पिथौरागढ़ रवाना किया। पुलिस ने आपको कैसे इन्फॉर्म किया, क्या मोबाइल के द्वारा? जी, पुलिस ने ये आपके थाना नागल के क्षेत्र की वारदात है, तो थाना नागल में ही SI जो है दरोगा SI मुकेश कुमार शायद जी, इन्होंने हमें फ़ोन किया। इन्होंने इनके परिजन को सूचित किया, लेकिन ये बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, सारी बात उन्होंने भी नहीं बताई। गंभीरता की बात जब मैंने उनसे कही तो कि क्या मामला है आप मुझे क्लियर बताइए, तो उन्होंने कहा जी ऑन द स्पॉट ही उसकी जो है डेथ हो चुकी है, तो आप जो है अपनी व्यवस्था कीजिए, सुबह आप लोग आ जाइए, अभी आने की आपको जरूरत नहीं है। तो DM साहब से पहले मिले आप? नहीं, DM साहब से मिलना नहीं हो पाया, मैम से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने पहले DM साहब के पास ये पूरे मौके को, पूरी बात को रखा है आगे, और हमें ये आश्वासन दिया कि मैम के द्वारा ये बात कही गई DM द्वारा कि परिजन अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनका वेट करूँगा और वो जब भी आए मुझसे मिल सकते हैं। तो आज क्या हुआ, आज क्या ज्ञापन क्या दिया गया, क्या उसमें बात की गई? जी, आज ऐसा सुनने में आया कि DM साहब की तबीयत ठीक नहीं, वो आज ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो SDM साहब ने फिर हमें बुलाया और ये आश्वासन दिया है कि मैं इसमें कार्रवाई करने की। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जी, मांग तो सीधी सी बात है, अभी मेरे ख्याल से 9 महीने या 10 महीने करीब हो रहे हैं उसकी शादी को हुए और हमारी मांग कुछ नहीं, हमारी मांग उस लड़की को लेके है जिसका सारी आगे जो भविष्य है वो खराब हो चुका है। तो कम से कम मांग ये है कि लड़की पढ़ी लिखी है, उसके लिए एक व्यवसाय की व्यवस्था की जाए ताकि आगे जाके वो अपने आजीविका को चला सके। क्या कोई मुआवजे का निर्धारण भी किया गया है जो निर्माणधीन पुल के जो बनाने वाले हैं, कंपनी है या ठेकेदार के द्वारा? नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी, कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक और मैडम है, उनसे हम जानते हैं। नमस्कार, मैं सारिका गुप्ता भगवा रक्षा वाहिनी से राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी। जब हमें पता चला अभिषेक जी के बारे में तो ये हमारे परिचित हैं, तो हमें जब रात के समय पता चला, हमने इस विषय पे छानबीन करी तो पता चला कि ठेकेदार की इसमें पूरी लापरवाही है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग कल भी गए हैं उस जगह का मुआयना करके, तो वहाँ कोई बैरिकेडर नहीं है, कोई स्टॉप का बोर्ड नहीं है, वहाँ पे कोई बलिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने इनके परिजनों से बात करी और हमने पीड़ित परिवार के लिए एक उचित मुआवजे की मांग करी है। और जो सबसे गंभीर बात है, इससे भी ऊपर, जब हमारा घर का बंदा गया है तो परिवार वालों ने ये कहा है कि हमें ठेकेदार के ऊपर 304 की धारा लगवानी है,
ये धारा भी मैं बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं धारा तो बोल देते हैं, ये नहीं पता होता किस चीज़ की, तो ये अनजाने में हत्या की ही धारा होती है, जो ठेकेदार ने अभिषेक की हत्या करी है चाहे अनजाने में करी है। इसके बाद भी मैं ठेकेदार की लापरवाही बताऊं, 20 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था, तो अच्छा कल हम लोग परिवार वालों के साथ उस पुल पे गए, तो कल भी वहां पर कोई बल्ली नहीं है, कोई बैरिकेडर नहीं है, कुछ नहीं है, दो बैरिकेडर रखकर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। कल भी हम लोगों ने 3 गाड़ी को खुद से रूट डाइवर्ट किया है कि ये रास्ता नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, एक इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्यों नहीं उस ठेकेदार को अभी तक बोला गया, वहां पर रूट डाइवर्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों वहां बलिया नहीं लगाई गई, क्यों वहां पर अभी भी स्टॉप, क्या किसी दूसरी अनहोनी घटना का होने का इंतजार कर रहा है प्रशासन? तो मैं चाहती हूँ इनके परिवार को तो न्याय मिले मिले, लेकिन और घटनाएं होने से भी बचाई जाए। कम से कम आप लोग वहां पर बलिया लगवाए ठेकेदार हाल, तो जो ठेकेदार है उसका लाइसेंस ही मतलब खत्म कर देना चाहिए, जो इतनी लापरवाही। पुल बहुत सारे बनते हैं सहारनपुर में, अंबाला रोड पे बहुत पुल बन रहे हैं, लेकिन सब में सबसे पहले रूट डाइवर्शन होता है, स्टॉप का बोर्ड लगा होता है, लेकिन वो हमें नहीं पता NH ने किसको वो ठेका ऐसे लापरवाह ठेकेदार को दिया है कि जिसको किसी की जान की शायद कोई परवाह नहीं है, उसके लिए अपना परिवार और अपना ही सब कुछ है। तो मैं चाहूंगी सरकार से कि वो इस परिवार को उचित न्याय दिलवाए, उचित मुआवजा दिलवाए, ठेकेदार के ऊपर 304 धारा का मुकदमा लगवाए। और जैसा कि भैया ने बताया है कि उनकी जो वाइफ है, अब तो विधवा ही कहेंगे उसको बिचारी, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ उसकी शादी को, तो कम से कम उसके आगे की जिंदगी को देखते हुए उसको एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। जो आज आप मिले हैं SDM से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? SDM सर ने बोला है कि DM सर की मतलब नॉलेज में पूरी तरह ये मैटर है, इसमें हम छानबीन करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं इस मैटर की छानबीन में ज्यादा समय ना लगे। ये मैटर ऐसा था 20 से 30 तारीख हो गई, 10 दिन में तो मुझे लगता है बड़े से बड़े केस का खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी तक इस चीज में कोई भी हमारे सामने रिपोर्ट नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये कोई हमारे आगे ठेकेदार का नाम नहीं खोल रहा है इसमें। हम लोग चाहते हैं ठेकेदार एक बार सामने आए, पीड़ित परिवार से फेस टू फेस इस बारे में बात करें, अपनी गलती को स्वीकार करें। हमारे साथ अभिषेक की बहन भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांग है और कैसा बीतता है एक परिवार का सदस्य जब आपके बीच चला जाता है। वो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो तो परिवार के साथ ही बीतता है। नमस्कार, पहले मैं सभी को अपने हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहती हूँ, उन सहारनपुर वासियों को जिन्होंने अज्ञात होते हुए भी हम सब का इतना साथ दिया, पहले दिन से लेकर आज 9 दिन हो चुके हैं। मेरे माँ बाप और मेरे घर पे सभी मेंबर्स के क्या हाल हैं, उनको वो टूटकर कैसे बिखर गए हैं, ये शायद जिसके पास बीतती है वो ही जान सकता है। मैं अपने भाई को खुद उसकी लाश को लेके आई हूँ, और मुझ पर क्या बीत सकती है ये भी मैं ही जान रही हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा बस यही निवेदन है कि ठेकेदार ने जो गलती करी, जो बैरिगेट नहीं लगाए वहाँ पे, उस अधूरे कार्य में ना कोई बैरियर लगा हुआ था, ना कोई एरो लगा हुआ था, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो रास्ता भटक के वहाँ पहुँच गया। जैसा हमारे परिवार के साथ हुआ है वैसा किसी और के परिवार के साथ ना हो, इसलिए मैं अपने पिथौरागढ़ वासियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उच्च स्तरीय तौर पर हमारे साथ रहें, हमें सहयोग दें, जिससे हम ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, ठेकेदार से अपने पर होने वाले इस दुर्घटना पे अपने पे न्याय मांग सकें। बस न्याय की गुजारिश आप सबसे करते हैं। हमारा परिवार जो सह रहा है उसकी अभी 8 महीने पहले शादी हुई है, वो जो लड़की भुगत रही है उस सब के लिए बस आपसे न्याय की गुजारिश करते हैं, इतना ही कहना है। धन्यवाद। अभिषेक की पत्नी है हमारे साथ, कुछ महीने पहले शादी हुई है, आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप सरकार? जो हमारे साथ हुआ है और किसी और के साथ ना हो, बस हमें न्याय चाहिए।